lives of former Kashmiri terrorists who returned from across the line of control under a rehabilitation scheme appealed to the center and state government on Friday that they be either granted Indian citizenship or deported. Pakistani khawateen jo Umar Abdullah 2010 mein unhone jo announcement ki thi us policy ke तहत hum yahan pe aaye the unhone jab in kashmiri ladkon ko wapas bulaya inhone wahan pakistan ja ke azad kashmir aur pakistan ke mukhtalif hisson se inhone shaadiyan ki hain ye wapas aaye to inke sath majbooran hum bhi aaye us waqt government ne ye kaha tha ki hum in khawateen ko aane jaane ke liye rasta denge hame nahi pata tha ki hum dhoke se yahan pe laaye gaye hain हम इस वजह से यहाँ पे आ गए कि हमें यही लगा था कि हमें मैका भी होगा ससुराल भी होगा हम जब चाहेंगे वापस आ जाएंगे लेकिन आप जानते हैं कि आज 10 से 15 साल का तवील अरसा हो चुका है इस तवील अरसे में हमने कैद एक तरह से काटी है ना हम माँ बाप से मिल सकते हैं ना बहन भाइयों से मिल सकते हैं ना अपनों की खुशियों में आ सकते हैं ना जा सकते हैं इससे बड़ी अजियत क्या है कि 10 से 15 साल हमने अपनों की शक्लें नहीं देखी हैं हम जा नहीं सकते हैं ना शादियों में ना खुशियों में ना हमारी कोई ईद है ना कोई खुशी है हमारी बार बार हम ये आते निकलते हैं बाहर हम यही बात करते हैं कि हमें या तो आप लोग हमें पासपोर्ट दो इंडियन गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं अगर पासपोर्ट नहीं देते हो आप हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दो अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे हो आप हमें डिपोर्ट कीजिए पाकिस्तान भेजिए और जो खवातीन आना चाहती हैं जो रहना चाहती हैं उनको स्पाउस वीज़ा जारी कर दें और बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो मुतलका हैं उनको तलाक हो चुकी है और काफ़ी खवातीन हैं जो बेवा हैं तो आप खुद ही सोचिए कि हम किसके सहारे पे यहाँ जिए वो खवातीन जो बेवा हो चुकी हैं या जो मुतलका हैं और बहुत बड़ी तादाद ऐसी इन खवातीन में से कि जो ज़हनी बीमारियों में मुबतला हो चुकी हैं तो मैं आपको एक बात बोलूँ कि मेरा 8 साल का बेटा है वो ईद पर कह रहा था कि ममा हमें जाना है नाना नानी के पास सब बच्चे जाते हैं मेरे फ्रेंड्स जाते हैं तो मैं भी जाऊँगा तो मैंने उसको सीधा कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं कैसे जाओगे कहता है मामा मैं बॉर्डर क्रॉस करूंगा 8 साल का बच्चा है मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को क्वेश्चन मार्क रखती हूँ अगर 8 साल का बच्चा ये बात आज कहता है कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके जाऊंगा नाना नानी से मिलूंगा मैं शाम को वापस आऊंगा आज मैंने उसको हैंडल कर लिया है वो बच्चा है आज मैंने उसको बोला नहीं इसके क्या नुकसान आते आप नहीं जा सकते हो लेकिन आज से 5-7 साल बाद वो मेरे कंट्रोल में आएगा वो मुझे पूछेगा क्योंकि उसको पता है कि बॉर्डर के पार मेरे नाना नानी रहते हैं मेरी खाला रहती हैं मामू रहते हैं जब उसके सारे फ्रेंड्स जाते हैं ईद पे जाते हैं खुशियों पे जाते हैं तो वो क्यों नहीं जा सकता है और यही नहीं है कि 350 खवातीन जो हमें हमारे तकरीबन 1000 से लेके 1200 तक के बच्चे हैं 1500 के दरमियान यही बच्चे कल को कहेंगे कि हम बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे तो गवर्नमेंट के लिए क्वेश्चन मार्क है आप सोचिए कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं हमारे साथ बच्चे फिर हम यही करेंगे हम अपने बच्चे उठाएंगे मासूम बच्चे उठाएंगे हम एलओसी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे हम इस तरह तो मर रहे हैं आप सीधा हमें गोलियां मार दीजिए हमें खत्म कर दीजिए क्योंकि हम मुजरिम है अगर आपकी निगाह में हमने तो कोई जुर्म नहीं किया है हमने लड़कों के साथ शादियां की हैं हम यहाँ पे आके रहना चाहते हैं हम आबाद हैं हमें आप क्यों सता रहे हो कि हम कानून अपने हाथ में लें हम इंडिया के वजीर खारजा से वजीर दाखला से और पाकिस्तान की हुकूमत से स्पेशली हम कहेंगे पाकिस्तान की हुकूमत से कि हम आपकी बेटियां हैं आपने हमें यतीमों की तरह क्यों छोड़ दिया हम इमरान खान साहब से ये सवाल करते हैं आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं सर आप काइंडली हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात कीजिए दोनों हुकूमतें आपस में बात करें एनाफ इज एनाफ कितना टाइम हो गया है आप हमें सजा दोगे बच्चे साइकी हो गए हैं खवातीन साइकी हो गई अभी 2-4 दिन पहले एक औरत की मेरे साथ बात हुई वो कहती है मुझे इतना डिप्रेशन है मैं कहती हूँ मैं अपने बच्चों को कत्ल कर दूँ लेकिन फिर मैं कंट्रोल कर रही हूँ लेकिन कब तक वो कंट्रोल करेगी और 8-10 साल के बाद 5 साल के बाद अगर हमारे बच्चे बॉर्डर क्रॉस करके नाना नानी से मिलने की ख्वाहिश में पार जाते हैं तो आप ये सोचें कि उनकी जिंदगी तो स्पॉइल हो गई ना उन्होंने कानून अगर हाथ में लिया हमारे पास क्या बचेगा तो हम इंडिया की हुकूमत से पाकिस्तान की हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप हमारे इशू पे काम कीजिए आप आर पार दोनों हुकूमतें बैठिए मिल बैठ के आप बात करें और हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालें और अंसार बनी ट्रस्ट से हम अपील करते हैं सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई है उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई कुछ अनासर ने उनकी वीडियो को तोड़ मरोड़ के सियाको सबाक से हटा के तो कुछ बातें जो है उनकी जो अच्छी उन्होंने हमारे बारे में बातें की है वो काट के उन्होंने उसको अलग रंग देने की कोशिश की है तो मैं उन लोगों से ये कहूंगी कि जो लोग समझ रहे हैं कि वाकई ये इसमें सच्चाई है
तो आप प्लीज अंसार पन्नी ट्रस्ट के साथ खड़े हो जाइए, हमारे लिए काम कीजिए, आप हमारे आने जाने के लिए उनके साथ मिलकर आवाज उठाइए। हाँ, बहुत सी खवातीन है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, अगर उन्होंने इस पे बात की तो इस पे क्या बुराई है, हमारा मैका नहीं है, हम 350 औरतें उनके साथ रابطे में है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, वी रिक्वेस्ट टू ऑल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि प्लीज प्लीज आप हमारे लिए काम कीजिए। हम यूएनओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, हम यूएनओ से ये रिक्वेस्ट करते हैं, भरपूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे मसले पे नजर कीजिए, आप हमारे मसले पे नजर दीजिए, हमारे आने जाने के लिए रास्ता, कोई रास्ता हमें निकालिए। आप इंडियन गवर्नमेंट से बात करें, कश्मीर की गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और दुनिया की तमाम जो तमाम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए।